सप्ताह में कोई आ रहा है तो एक चीज का नजर रखो, कैश पैसा लेके आओ, ठीक है। तो एक दिन में आओ, एक दिन में दर्शन करो, निकल जाओ। और इधर रहोगे तो बहुत खर्चा आएगा आपका, रूम का हो गया, खाने का बहुत सारी खर्चा आएगा। और इधर अनलिमिटेड बारिश होते रहता है और फॉग। तो भाई लोग ना, दिन ब दिन ना हम लोगों का जो जर्नी है वो टफ होते जा रहा है, पता नहीं क्या सीन है। सर आ गया, आ गया। दो दिन से खाना अच्छी तरह से नहीं खाया, बिस्कुट खाया, चाय पिया, बस कहीं पर नहीं बनता है। तो अभी खुद ही ट्राई करने का सोचा है हम लोग। नमस्कार भाई और बहनों, सबको स्वागत है और एक न्यू प्यारी सी वीडियो में। मतलब क्या ही बताओ यार, जिंदगी क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आज हम लोग सप्ताह से पहुँच निकल रहे हैं, सप्ताह से आज हम लोग निकल रहे हैं। और कल ये वाला रूम में रहे थे यार, क्या ही बताओ यार, पैसा 400 ले लिया यार, पॉकेट खाली होते जा रहे हैं, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इधर नेट नाम का चीज़ मिलता नहीं है, तो आज चलते हैं एक अच्छा जगह तक जहाँ नेट वगैरह मिलता है, उधर जाकर रिलैक्स होकर सब कुछ सोचना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? चलो निकलता है। देखो यार, सप्ताह में कोई आ रहा है तो एक चीज़ का नज़र रखो, कैश पैसा लेके आओ, ठीक है। और दो नंबर बात यह है कि ऐसा करो, एक दिन में आओ, एक दिन में दर्शन करो, निकल जाओ। और इधर रहोगे तो बहुत खर्चा आएगा आपका, रूम का हो गया, खाने का बहुत सारी खर्चा आएगा। और इधर अनलिमिटेड बारिश होते रहता है और फॉग, बादल, ये सब मतलब पूरे पहाड़ में लगते रहता है भाई। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि भाई तुंगनाथ मंदिर आओ तो दर्शन करो, एक दिन रहो, निकल जाओ। दूसरा दिन ना नेट काम करता है, ना कुछ काम करे, कुछ भी काम नहीं करता है। तो हम लोग दो दिन तक फंसा रहे हैं, क्या ही बताएं अब। सोरो देख सकते हो व्यू कितना प्यारा, देखो बादल पूरा लगते रहता है, मतलब इधर धुआं धुआं दिखने को मिलेगा आपको। चलो चलो चलो। तो श्रीनगर में साइकिल बना के लाया बोल के किस पर अच्छा है, इसका देखो, इसको देखो 2 किलोमीटर से ऐसे ही आ रहे हैं, उपाय नहीं है ना, क्या कर सकते हैं, इधर है ही नहीं कुछ। अभी इसको ठीक करने जाओ तो पूरा श्रीनगर जाना पड़ेगा, इधर एक भी दुकान नहीं है। भाई साहब, ऐसा जगह तो जिंदगी में नहीं देखा था यार, कितना भयंकर भयंकर जगह देख देख के आ रहा हूँ। ये सब जगह पहले तो देखा नहीं था, अभी देख लिया, समझ लिया कैसा है, वो गहराई भी जान लिया। और इसका हालत देखो बाबू, ठीक है, ब्रेक टूट गया है, आगे का ब्रेक लगता नहीं है, देखो उपाय नहीं है अब तो यार, अब उकी मत तक पहुंचना है कुछ भी करके। थोड़ा डाउन है, थोड़ा आप मिलेगा तो और टेंशन हो जाएगा, आप मिलेगा तो टेंशन है, एक चीज से नहीं भी है, क्योंकि इसका ब्रेक नहीं है तो चल के जाना ही बढ़िया रहेगा। तो एक दो गाड़ी भी आते रहता है यार, टर्निंग भयंकर टर्निंग, पूरा आँख खोल खोल कर आगे आगे में फेंक फेंक के जाना पड़ता है ना। भाई भाई भाई, चलो निकलता है, इतना प्यारा जगह। तो भाई लोग ना, दिन ब दिन ना हम लोगों का जो जर्नी है वो टफ होते जा रहा है, पता नहीं क्या सीन है। सब भूले बाबा कृपा है, देखो घने जंगल है पूरा, और ऊपर से फॉग सब उड़ रहा है, पूरा बादल ही बोल सकते हो। इधर से उखी मत जा सकता है, इधर से डायरेक्ट गुप्त काशी निकल सकता है, ऐसा टाइप का रास्ता है। और जो उखी मत जाने का रास्ता है तो वो थोड़ा टूटा हुआ है, मतलब ऐसा दोनों साइड से ऐसे ऐसे, मतलब कैसे समझाओ यार, ऐसे करते हैं रास्ता। अभी हम लोगों को क्या है कि साइकिल कांधे में उठा के लेके जाना पड़ेगा, तो भैया दोनों से पूछे है, बोला है चला जाएगा। और जगह सही लगाया सोपता, ये चीज ये रेस्टोरेंट बनेगा ना, हाँ रुद्रप्रयाग वन विभाग, ये वन विभाग का है ये, हाँ सही बनाया ना। तो निकल रहे हैं उधर से, तो साइकिल उठा के लेके जाना पड़ेगा, चलेगा भाई? देख सकते हो कितना भयंकर जंगल है, और इसमें तुम रात में आओगे दादा, उस दिन रात को तो फंसा हम लोग, कहा बताए यार, रात को आगे से हरीला दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, भालू दौड़ रहा है। भाई भालू तो नहीं धरा, लेकिन कुछ कुछ है जो जानवर का नाम भी पता नहीं मेरे को, बस हिरन का नाम पता है यार। देख सकते हो पूरा फॉग ही फॉग होकर रखा है साथ में घने जंगल। तो भाई ये रास्ते में मिला कितना प्यारा वाटरफॉल, ऊपर पहाड़ के टॉप से आ रहा है, देख सकते हो। आगे तूता वाला रास्ता मिलेगा, उसमें मिलेगा एडवेंचर, वो भी भयंकर वाला, आप जोश में बैठे रहिए, हम लोग जोश में चलते हैं आगे तक। चलो वो रास्ते तक चलो क्या, चलो 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 ले लो, देख कितना घने जंगल है, एक गाड़ी भी नहीं आ रहा है, पता है आगे रास्ता टूटा हुआ है ना, गाड़ी चलता नहीं है इधर। तो हम लोगों को भी बोला था कोई कोई लोग कि तुम रुद्रप्रयाग होके ही जाओ, लेकिन हम लोग आ ही चुके हैं इतना, तो और वापस जाना ये तो थोड़ा मुश्किल है। यही वो रास्ता है, देखो 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 देखो, धीरे 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 धीरे, देखो ब्रेक भी नहीं लगता है। मेरा तो भाई सब गिर गया, बैनर वगैरह सब कुछ गिर गया झरने में। अरे कोई आओ मेरे को पकड़ने के लिए, रास्ते के लिए, मतलब ये रास्ते के लिए, मतलब गाड़ी वगैरह नहीं आ पा रहा है। अरे यार इन लोगों से नहीं होगा,
नहीं होगा ना मेरे से अकेला। अरे भाई कोई तो आ जाओ। अबे यार आ ही गया, चलो नहीं सही है, जरूरत नहीं है तुम्हारी। भाई देखो पूरा रास्ता टूट गया है। ओए आगे और डेंजर है बाबू लोग। नहीं है तो तेरे को एक एक करके जाने का मन ही नहीं है, तू सो जाएगा लफड़ा। देखिएगा हर हर महादेव, यही रास्ते की वजह से मतलब हुकूमत प्रत्येक लोग या बास कोई भी नहीं जा पा रहा इस रास्ते की वजह से। हर हर महादेव महादेव। देखो लोगों की बात सुनोगे ना, जब बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं जा पाओगे, लेकिन लेकिन ना हम लोग देखो आ गए। कोई लोग सच भी बोलेगा, कोई झूठ भी बोलेगा, सबकी बात में भरोसा नहीं कर सकता। आ रहा है बच्चे लोग, तो देखो ये लोग भी आ रहे ये इधर तो और खतरा यार। ये दो क्रॉस कर लिया, ये भयंकर वाला है, ये थोड़ा ज्यादा। अच्छा तू तेरा साइकिल ले गया, चला जाएगा साइकिल, चल लो भाई एक एक करके निकलते हैं। ज़्यादा हड़बड़ी भी अच्छी बात नहीं होती है। मैं पकड़ रहा हूँ आराम से, तेरा ब्रेक नहीं मिली बता। ओहो यही है वो जो फेरी डेंजरस वाले सीन। आराम से जाएगा ले जा। तो और मेरा साइकिल भी लेके आता हो यार। वो साइकिल उधर कहीं पे छोड़ के आ जाना तू। भाई साहब अगर मुझे निकल रहा है प्यार प्यार से निकल रहे। नहीं रोड ये सही था शायद। ओ सोटू पार्ट में बात कर लेगा यार, आ जाओ यार साइकिल उठा लेते यार। बाटे तो होते ही रहेगा, लोग बस जाएगा तो पूरा रास्ता इधर से नहीं है तो मैं उठाऊंगा। और क्यों तेरे को उठाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा भाई मेरे से ले। मैं उठाऊंगा ना, दोनों उठाएगा भाई भाई प्लीज भाई तुम मेरे भाई यार प्लीज यार मैं कैसे उठाऊंगा यार। इतना ट्राई कर लो, तू ट्राई कर ले एक बार। मैं तो ट्राई कर लूं तो तू सकेगा ना। ओए चल। ओ भाई इधर से उठा कर लेके जाना पड़ेगा साइकिल पूरा। चल आ गया आ गया, तेरा भारी नहीं है उतना। सो तू के मुंह में रख दे साइकिल। तो भाई देख सकते हो एक तो सारा जगह बचा हुआ था, वो भी अभी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हाँ ये मेरा वाला साइकिल उठा कर ला, लाना इतना आसान है, बाप रे कितना सामान है, 50 किलो के ऊपर हुआ। मेरा तो तेरा तो 10 किलो भी नहीं था। चलो भाई मजा आ गया, मजा आ गया साला। और आगे भी रास्ता है भाई साहब, फाइनली कोई वीडियो करने। तो भाई हम लोग वो जो था उधर से थोड़ा सा आए हैं, अगर ये मिला। और भाई इसको देखो यार, मेरे को बार बार जलाते रहता है। तो साइकिल वगैरह इधर रख दी हम लोगों ने, तो कल से तो मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं दे पा रहे थे। तो ये भैया है मेन चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है हम लोगों के लिए। तो इधर हम लोगों ने बोला कि हम लोगों के पास खाना बनाने का सामान वगैरह है, तो मैंने बोला कि ठीक है बना लो। तो देख सकते हो इधर इधर हमारा छोटू लाल कर दे। क्या बना है छोटू? सूजी। तू कैसे जानता है सूजी बना ले? हाँ भाई बाबू। तो इधर मोबाइल वगैरह भी चार्ज करने के लिए भैया ने बोल दिया कि मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर लो। देख सकते हो सब अभी ये थोड़ा सा खा लेते, कुछ भी सुबह से खाए नहीं थे हम लोग, बस इधर आके चाय पिए थे। तो उसके बाद भैया ने सब कुछ बता दिया कि भाई कर लो यार वैसा ऐसा वैसा। ऐसे जब आप उखीमत तक जाओगे तब ये दुकान मिलेगा आपका। तो ये दो रोड है, एक ऊपर से जाता है, आप केदारनाथ जा रहे हो तो उखीमत जा रहे हो तो ये रोड से जाना पड़ेगा, मतलब गुप्तकाशी जा रहे हो तो कालीमठ जा रहे हो तो ये रोड से जाना पड़ेगा, तब ये दुकान मिलेगा आपको। ठीक है, ये दुकान बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आओ तो भाई प्लीज़ आना इसमें, क्योंकि यार हम लोगों को जितना हेल्प किया ना वो मैं बता नहीं सकता भाई। तो प्लीज़ एक बार घुस के जाना, एक कप चाय तो पी के जाना प्लीज़। भैया भी बहुत प्यारा भैया है, टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ है इधर, आप फ्रेश वगैरह भी हो सकते हो। तो प्लीज़
आके हम तीनों का नाम बोलना आके प्लीज, तो मेरे को भी मजा आएगा। कोई देखो तो वीडियो आउट तो कभी, ठीक है? तो ये लोगों को देखो, इतना पागल इंसान है, मतलब मैं अभी 1 लाख देने का मन करता है। इसको देखो तोतू को, इसको बजा रहा हूँ, रुकना, ये फिगा दिया पूरा ख़त्म। अभी इसको मैं क्या पहनूँगा? ठीक है यार, कोई बात नहीं, बच्चा है, कुछ जानता ही नहीं है, पूरा भीग गया अभी। मैं पहनूँगा क्या? सूजी का कुछ बनाया है भाई, मीठा करके खा लेते हैं। इतना दूर क्यों? अभी भेजिए ना। हाँ, वेरी टेस्टी, मीठा हुआ है यार, 2 दिन के बाद कुछ खाने को मिल रहा है। 2 दिन से खाना अच्छी तरह से नहीं खाया, बिस्कुट खाया, चाय पिया बस। आसान नहीं है यार साइकिल और भी बिना पैसे से। भाई अभी इधर से निकल रहा है भाई, देख सकते हो पूरा रेडी हो चुके हैं। देखो क्या क्या बनाया हम लोगों ने, तो सूजी खाया था थोड़ा पहले, तो चावल बना लिया, ये नीचे का ये चावल है, पूरा गर्म हो गया ये सब, और ये है पास्ता आपका, तो पास्ता के साथ चावल खाऊंगा, नहीं तो कहीं से थोड़ा सा दाल 100 रुपया का ले लूँगा, लेके ऐसे करके खाऊंगा। और ये है वही होटल जिसने हमारा हेल्प किया है, लेकिन यार चाय पिया था उसका रेडी है और बाकी सब रेडी है। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, महादेव का नाम लेते हुए अपनी राइड स्टार्ट कर चुके हैं, और डाउन है थोड़ा सा, और आप भी मिलेगा शायद आगे, अभी तो उकीमत ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर है, देखते हैं। ओहो हो यार, पीछे का एक ही चीज़ का डर है, वो है पास्ता, उसका कोई ढकनी नहीं है, उसके रिवेक से ढक के लाया है भाई। हम लोग भी क्या क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में यार, लेकिन यार एक चीज़ अच्छा लगा, धूप मिला, 2-3 दिन के बाद आज धूप देखने को मिला, मज़ा आ गया यार। तो भाई किस्मत अच्छा है, ये वाला लैंडस्लाइड कल ही हुआ था, कल ही क्लियर कर दिया, कितना किस्मत अच्छा है, आज हो जाता तो हम लोग कितना भयंकर फंसता। तो एक दो चीज़ों में तो भगवान को मानना ही भी रहेगा, भगवान हम लोगों को देख रहा है, रास्ता क्लियर करके दे रहा है। अभी वो वाला गे का जो था वो भी भयंकर लैंडस्लाइड था, बट उसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ था कि हम लोगों के लिए रास्ता बचा हुआ था शायद थोड़ा सा, तो उसमें भी साइकिल उठा कर लेके आ पाए। रास्ता आगे आगे रास्ता ठीक क्लियर मिलेगा, किधर है, किधर है? बस टूटा फूटा रास्ता मिल सकता है ना, ये सब पक्का वाला नहीं मिल सकता, पक्का वाला है पूरा, पूरा पक्का वाला है। हाँ, ये अरे बहुत बढ़िया, और केदारनाथ जहाँ पहुँचेंगे हम लोग? आज तो नहीं पहुँचेंगे, आज तो नहीं पहुँचेंगे। और रास्ता क्लियर है कि नहीं आपके हिसाब से? कौन पे आता, किधर है? चलो ठीक है भाई, बाय बाय गाइस, चलो आज तो नहीं पहुँचेंगे, आज शायद जोशीमठ तक पहुँचेंगे, नहीं नहीं क्या उखीमठ तक। हाँ तो निकल रहे यार, ये सब ये साइड का जितना पहाड़ है सबको सर के घूम घूम के अभी हम लोग इधर तक पहुँचे हैं, समझ रहे हो? और मेरा पीछे ये है साला, लगते रहता है पूरा बॉडी में, और अभी तो पास्ता तो ठीक है सर। हाँ, कितना सारा मेहनत, भगवान दर्शन दे देते तो हो जाएगा यार, इतना मेहनत भी ठीक है, बस दर्शन से मतलब है, दर्शन हो जाएगा तो केदारनाथ का पास जितना भी मेहनत लगो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई इसकी साइकिल हो चुकी है पंसर, एक बहुत बड़ा वाला, अरे कहाँ हाल है भैया भाई, चलो सही है। तो क्या सीन हुआ इसका पूरा साइकिल का? पीछे का चक्का जो किया वो पूरा फूट गया है पूरा, देख सकते हो आप लोग, डर के आ रहे बेचारा। नहीं टाइम मतलब मैनेज कर रहा है, हम लोग ओकीमठ तक पहुँचना है कुछ भी करके, तो मेरे को बोला तू सामान वगैरह थोड़ा पकड़ ले मेरा, मैं दौड़ूंगा। मैं बोला पागल हो चुका है, नहीं दौड़ूंगा मैं बोला सही है भाई दौड़ तब तो। अरे जाओ, कितना जगह है यार भैया, हाँ तब से हॉर्न मार रहे हो, आदमी दौड़ के आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, गुस्सा आ जाता है यार, हमें भी गुस्सा आता है। तो भाई हम लोग उखीमठ पहुँच चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसका साइकिल बन नहीं रही है कहीं पे भी, 2-3 दुकान ढूंढना है कहीं पे नहीं बनता है, तो अभी खुद ही ट्राई करने का सोचा है हम लोग। क्या करना पड़ेगा कि 2 रेंच से ये होगा, इसको खोल के टायर को खोलना पड़ेगा, इधर से खोल इसको खोल ले पहले, इसको खोल ले। तो थोड़ा आइडिया है जो कि हम लोग जब बनाता है देखते रहते ना, तो वही आइडिया देख देख के अभी करने का ट्राई कर रहे हैं, चलो होते कि नहीं देखते हैं। कुछ करके पीछे का चक्का जो कि है टायर चेंज कर दिया है, और आगे का भी मतलब टायर चेंज करना पड़ेगा, पीछे का टिप चेंज कर दिया जो मैंने लाया था यूपी से, टिप और टायर वो दोनों आज काम आ गया भाई, इसका काम आ गया, तो सही है, बहुत मेहनत लगा यार इसमें लगाने में, मैं तो थक चुका भाई, थोड़ा बैठ लेता यार, मतलब हम लोग तो ऐसे इतना प्रोफेशनल है नहीं, और भैया भी इतना प्रोफेशनल है नहीं, क्योंकि सब लोग एक आइडिया से काम कर रहे हैं, मतलब सोच सोच के, हम लोग जब बनाते थे ना सोते में तब वही चीज़ सोच सोच के अभी लगा रहे हैं। पीछे का हो गया, आगे का अभी काम बाकी है, सलूक करते हैं और आज इधर ही रहेंगे कहीं पे, थोड़ा आगे या पीछे। तो भाई लोग क्या सीन है, साइकिल वगैरह रेडी हो चुका है अपना, साइकिल पर तोनातन बना दिया है भाई, और देख सकते हो अभी चावल और पास्ता ये बनाया था आज, मतलब आज कुक ये है। और कुछ बोलना चाहेगा कोई? साला कितना सारा प्रॉब्लम आया भाई, नमक नहीं, बिल्कुल नहीं, नमक नहीं है, कम है, बिल्कुल नहीं, इस क्या यार कोई काम का जरूर क्या बनाया होगा इसे। तो भाई खाना वाना खाते हैं, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि इधर रहूँगा आज,
तो ठीक है बाय बाय, फिर मिलता है और एक न्यू प्यारी सी वीडियो में। हम लोग है ओकी मोड में, ठीक है बाय बाय।